चलिए। ओके सो यहाँ तक हम आ चुके जहाँ पे आपके पास आपने क्या किया, सिंपल इमेजेस को यहाँ पे हमारे प्लेहेड पे, सॉरी ट्रैक पे डाल दिया, V1 ट्रैक पे, और आपके पास पांच इमेजेस आ गए। अभी हमारे पास V2 और V3 भी है। इनका काम क्या है? इनका काम है अरेंजमेंट करना, मतलब कि जैसे हमने V1 में अरेंजमेंट करी वैसे V2 या V3 में कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि हमें यहाँ पे V2 दिखाना है, यहाँ पे V3 दिखाना है, यहाँ पे V4 दिखाना है, यहाँ पे V5 दिखाना है, करेक्ट ना? तो ये अभी कैसा, ये हमने एक अरेंजमेंट करी है। ओके सो यहाँ पे अगर इसको प्ले करते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है हमारा। ओके सी, थोड़ा हमें यहाँ पे थोड़ा डिस्टरबेंस दिख रहा है। कैसे? एक इमेज ऊपर है, एक इमेज नीचे है। क्यों? वहाँ पे सिंपल साइज का प्रॉब्लम है। साइज का मतलब साइज, साइज इज द इश्यू ओवर देयर। मतलब टेक्निकली अरेंजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे करना ये प्रॉब्लम नहीं है, तो इमेज का साइज एक बड़ा है एक छोटा है ये प्रॉब्लम है, ये इश्यू है। तो ठीक है, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं फॉर नाउ, बिकॉज हमें पता है कि हमने इमेजेस साइजेस कम ज़्यादा लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं कि हमें पहला इमेज कितना दिखाना है उतना ही दिखाएंगे, दूसरा इमेज कितना दिखाना है उतना दिखाएंगे, थर्ड कितना दिखाना है, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अदरवाइज एक सिंपल मैनर में हमने एक ही ट्रैक यूज करना है तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। ओके तो ये हो गया सिंपल सिंपल मैनर में हम काम करेंगे। ठीक है, अब है कि इसे एक्सपोर्ट कैसे करना है। मतलब मैंने अभी जो क्लास आपको यहाँ पे सेकेंड वीडियो सेकेंड हम क्लास जो हम मैं ले रहा हूँ वो इसलिए कि इस वीडियो को हमने वीडियो बनाया, अच्छी बात है। अब इसको आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम हम टाइमलाइन पे कितना भी कुछ कर ले, कितना भी वर्कआउट कर ले, लेकिन जब तक आप उसे एक्सपोर्ट नहीं करते, जब तक आप एक्सपोर्ट वाली क्वालिटी नहीं देखते, तब तक आपके ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। ओके सो इट इज़ जस्ट कि आपने कुछ बनाया है बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी तक सर्व नहीं करा है, तो सर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो हाउ वी कैन प्रोड्यूस इट, सी फाइल में जाएंगे, ओके एक्सपोर्ट में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे। ओके इसका शॉर्टकट है Ctrl+M, Ctrl+M सिंपल, एम फॉर मीडिया, Ctrl+M। ओके तो आप इतना न करते हुए Ctrl+M दबाएंगे, Ctrl+M प्रेस करिए, वहाँ पे आप डायरेक्टली आउटपुट विंडो पे गए। ओके आउटपुट एक्सपोर्ट सेटिंग, इसे बोलते हैं एक्सपोर्ट विंडो। तो आप एक्सपोर्ट विंडो को यहाँ से आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए काम कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट। ओके तो आप किस फॉर्मेट में इसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल इमेजेस में मैंने जैसे बताया कितनी क्वालिटीज, कितने इमेजेस के टाइप होते हैं, तो जिप फाइल होता है, JPEG होता है, PNG होता है, टिप होता है, एंड बहुत सारे और बहुत सारे होते हैं जो कि आप फोटोशॉप में अगर यूज़ करें होंगे तो देख पाएंगे, बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। ओके PSD होता है, ओके इलस्ट्रेटर में इलस्ट्रेटर फॉर्मेट होता है जो कि वेक्टर फाइल्स का फॉर्मेट होता है, .AI। ओके कोरल ड्रॉ अगर यूज़ करें या उसकी बात करें तो उसका .CDR फाइल फॉर्मेट होता है। ओके तो वर्ड वर्ड आप यूज़ करते हैं तो वर्ड का भी फाइल फॉर्मेट होता है, तो उसी तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस करना है हमें वीडियो का, तो उसका भी फाइल फॉर्मेट होगा। तो ये है उसका फाइल फॉर्मेट कि आप उसको किस फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें दी है यहाँ पे, AVI। ओके AVI इज़ वन ऑफ द पॉपुलर ओके फाइल फॉर्मेट। देन यहाँ पे हमारे जो सबसे काम की चीज़ है वो है H.264। इस फाइल फॉर्मेट में हम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे सो दैट वो MP4 फाइल
फाइल फॉर्मेट में हम देख पाएंगे, ठीक है। नाउ इस तरीके से आपके पास इतने सारे फाइल फॉर्मेट्स हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर अस H.264 जो कि हम नॉर्मली मोबाइल पे प्ले कर पाएंगे, लैपटॉप कहीं पे भी यूट्यूब पे डालना है वो कर पाएंगे, व्हाट्सएप पे सेंड करना है वो कर पाएंगे एंड दैट्स इट, ओके। तो H.264 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो यहाँ पे ओके किए, ओके। देन कम टू द दिस विंडो, यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, ये इसकी सेटिंग है, मतलब आप इसे चेक कर सकते हैं, ओके, सो दैट यू विल गेट द मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी। नाउ व्हाट, आपकी फाइल जो बन रही है वो बन रही है 30 MB की, एस्टिमेटेड फाइल साइज 30 MB की बन रही है फाइल, ओके। सिर्फ 5 इमेजेस हमने लगाए और उसकी फाइल साइज का कितना रहेगा, 30 MB रहेगा, तो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं है, बट 5 इमेज को ऐड करना और 30 MB का फाइल आउटपुट बनेगा तो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, बट इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करना है मैं बताऊंगा बाद में, अभी नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं कि किसी भी इमेजेस को ऐड करके प्रीमियर में हम आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करें, तो ये प्रोसेस हम मैं बता रहा हूँ, बट इस 30 MB को कम ज़्यादा कैसे करना है, वो बिटरेट की सेटिंग कैसे करनी है, वो चीज़ हम बाद में करेंगे, ठीक है। नाउ ये सब कुछ हो गया, अभी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करने से पहले आपको चेक करना है कि आउटपुट नेम क्या है और आउटपुट कहाँ पे स्टोर करना है। तो आउटपुट नेम आप देख रहे हैं doctor.mp4 है, ओके, जो कि सीक्वेंस का नाम था डॉक्टर डॉट, तो हो गया। doctor.mp4 कहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सी यूज़र पिक्सेल डेस्कटॉप डॉक्टर, मतलब कि डेस्कटॉप पे कहीं पे डॉक्टर ऐसा हो रहा है वहाँ पे। यहाँ पे फाइल फॉर्मेट दिया है, पाथ दिया है, बट उस पाथ को हम चेंज कर सकते हैं क्या, यस। देखिए यहाँ पे क्लिक करिए सिंपल, एंड आप देखिए यहाँ से आपका दिस पीसी है, आपका डेस्कटॉप है, डाउनलोड पिक्चर्स, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, कहाँ पे आपको स्टोर करना है आप कर सकते हैं, ओके। तो मुझे डेस्कटॉप पे चाहिए, तो मैंने डेस्कटॉप लिखा यहाँ पे, और फाइल का नाम, मुझे अगर फाइल का नाम लिखना है, चेंज करना है, तो मैं क्लास टू डॉट वीडियो, क्लास टू वीडियो लिखा मैंने, ठीक है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेव कर दिया, तो आपको पता है कि क्लास टू वीडियो इस नाम से एक MP4 फाइल बनेगी जो कि डेस्कटॉप पे रहेगी। सो लेट्स गो फॉर एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे टाइम दिखाएगा कि इतने टाइम में वो से एक्सपोर्ट हो रहा है, जल्दी हो रहा है, देखिए एंड डेस्कटॉप पे हो गया, आई एम चेकिंग माय डेस्कटॉप, ओके। तो यहाँ पे मुझे क्लास टू वीडियो दिख रहा है, मैं इसको प्ले करता हूँ और आपको शेयर करता हूँ, मतलब स्क्रीन को शेयर करता हूँ, सो दैट यू कैन सी दैट स्क्रीन, न्यू शेयर, दिस इज माय स्क्रीन, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास टू वीडियो लिखा है यहाँ पे, एंड हम उसको आउटपुट हम यहाँ पे प्ले करेंगे, सी आपको दिख रहा है ये स्क्रीन, जी सर जी, ओके। सो इस तरीके से हमें आउटपुट दिख रहा है और ये प्रॉपरली आ रहा है, सी द क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ वीडियो इज़ अ रियली गुड, सी कोई ब्लर नहीं है, गुड क्वालिटी ऑफ आउटपुट आपको मिल रहा है यहाँ पे। करेक्ट है, सो दिस इज हाउ वी कैन वर्क, दिस इज हाउ वी कैन वर्क इन प्रीमियर, ओके। तो यही चीज़ बतानी थी मुझे कि हम नंबर ऑफ इमेज को कनेक्ट करें यहाँ पे V1 ट्रैक पे, एंड लेटर ऑन उसे एक्सपोर्ट कैसे करें। तो
मेक द पॉइंट, मतलब आप इसे नोट करें कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। सी वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं दूसरा आउटपुट प्रोड्यूस करता हूँ। कैसे? मैं इसको V1, V2, V3 ट्रैक को यूज़ करूँगा यहाँ पे। V1, V2, V3 या V5 ट्रैक को यूज़ करना कोई नई बात नहीं है या फिर कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। सिंपल ये अरेंजमेंट है, आप मतलब पहले प्लेन रखे तो एक के बाद एक सारी चीज़ें आ गई, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब मैंने टाइम को थोड़ा कम कर दिया, मतलब टाइम के साथ हमने काम नहीं किया, सिंपल हम वीडियो को ऊपर लेके जा रहे हैं V1, V2, V3, V5 के ऊपर, सो दैट V4, V5, सो दैट हम इसको फास्ट में आउटपुट देख पाएंगे। ओके दैट्स इट। एंड यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है तो मैं इसे सुधार देता हूँ। कैसे? यहाँ पे जाएंगे, देखिए मुझे V4 पे काम करना है, मैंने इसको क्लिक किया, डबल क्लिक यहाँ पे, इसको बड़ा कर दिए तो वो कंप्लीट वो दिख रहा है। V5 पे जाएंगे, V5 इसको डबल क्लिक करें, इसको बड़ा कर दिए, ये दिख रहा है। ठीक है, सो चेकआउट, पहले चेक करो यहाँ पे कैसे दिख रहा है। ये फास्ट दिख रहा है, पिछली बार स्लो दिख रहा था क्योंकि वो टाइम ज़्यादा था, मतलब पूरा इमेज के बाद दूसरा इमेज था, तीसरा था, एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने एक के ऊपर एक रखा तो टाइम शॉर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको प्रोड्यूस करना है तो कैसे करेंगे? सी कंट्रोल एम इज अ मीडिया। ओके, एक्सपोर्ट मतलब फाइल में जाकर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या ऐसे मीडिया कंट्रोल एम या कंट्रोल एम डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। देन यू विल कम ऑन दिस पेज, आपने आपकी सेटिंग चेक करनी है, H.264 Docker.mp4, इसका लोकेशन क्या है, डेस्कटॉप। ओके, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, प्रीमियर प्रो ट्रेनिंग, यहाँ पे इसका लोकेशन मैंने ये रखा। ओके, क्लास 2, क्लास 2, ठीक है, 2.1 वीडियो सेव, और ये वीडियो बन रही हमारी 14 MB की, लास्ट वीडियो बनी थी 30 MB। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइम था और ज़्यादा मतलब कि यू नो टाइम ज़्यादा है तो उसका MB भी ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे टाइम कम हो गया इसका तो उसका MB भी कम हो गया, 14 MB, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो गया। सो एक्सपोर्ट होगा यहाँ पे, रेंडरिंग, इसे बोलते हैं रेंडरिंग प्रोसेस, मतलब आपने जो भी टाइमलाइन पे सारा वर्क किया है प्रीमियर में उसको एक्सपोर्ट करने का जो प्रोसेस रहता है उसे बोलते हैं रेंडरिंग प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया। नाउ लेट्स चेक द आउटपुट एट आवर फोल्डर प्रीमियर प्रो। ठीक है, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, वेयर इज माय स्क्रीन, कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर। जी सर। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमारा वीडियो कहाँ पे गया, वीडियो प्रोड्यूसर ने कहा है, मुझे एक बार और एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इसे, मुझे आउटपुट नहीं दिख रहा है वहाँ पे। सो एक्सपोर्ट, यस सी दिस इज क्लास 2.1 जो कि वीडियो यहाँ पे दिख रहा है, एंड डबल क्लिक इसे प्ले करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये हमारा नया वीडियो क्लास 2.1। तो स्क्रीन प्ले अच्छा चल रहा है, बस वहाँ पे जो हमें छोटा दिख रहा था पिछले वक्त, छोटा मतलब
सॉरी नॉट छोटा, इट्स अ लेंथी, जो वीडियो लेंथी दिख रहा था यहाँ पे बहुत क्विक दिख रहा है। क्विक मतलब फास्ट में उसका ट्रांजिशन हो रहा है, या फिर नए इमेजेस फास्ट में आ रहे, क्विकली आ रहे। ओके सो ये होता है आपका डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वीडियो एंड सेकेंड वीडियो। ओके सिंपल किस बात का वहाँ पे डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे V1 से V5 ट्रैक को यूज़ किया है, और यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट कर टाइमिंग टाइमिंग का, एंड यहाँ पे इसको प्लेन मैनर में डाल दिए थे, तो वो टाइम पीरियड बढ़ गया था। सिंपल है, आप अंडरस्टैंड कर लिए सब, मतलब हो गया आपको अंडरस्टैंड ये चीज़? जी ओके तो कुछ उसको क्वेश्चन समझा कि जो मीटिंग की है, हेलो, क्या बोल रहे हैं? यस ये जो हमने चैप्टर की है ना इमेजेस को क्लॉज पे है ना अपर साइड में बनाया, अपन जैसे क्रॉस सेक्शन में हमने इसको अरेंज किया है, तो अगर हम उसको क्रॉस इसमें ना करें वर्टिकली, अगर वन बाय वन करें तो फिर कैसे शो होगा? क्वेश्चन समझा नहीं, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। जैसे हमने इसको क्रॉस सेक्शन में अपर साइड में अरेंज किया है ना वन बाय वन, ये आप बोल रहे एक के ऊपर एक ऐसे? हाँ जी, क्रॉस इस पे किया है, अगर उसको हम वर्टिकली करें तो फिर वो कैसे शो होगा? वर्टिकली ऐसे क्या? ऐसे वर्टिकली? हाँ ऐसे, ओके सिंपल, तो जो कि हाँ टॉप टॉप का जो भी ट्रैक रहेगा वही आउटपुट दिखेगा आपको, क्योंकि ये वाला टॉप ओके का है तो टॉप का दिखेगा, इसके नीचे का नहीं दिखेगा। चेक करो सी, देखिए। ओके ओके मतलब वहां पे ट्रैक को दिखना जरूरी है। अगर आप ट्रैक एक ट्रैक रखेंगे तो सेकेंड यहाँ पे रखिए, थर्ड वहाँ पे रखिए, सो दैट वो प्लेहेड, जो प्लेहेड यहाँ पे मूव होता है उसको ऊपर वाली चीज़ दिखती है, राइट नो टॉप वाली, तो वो टॉप वाली चीज़ को ही देखेगा, उसके नीचे क्या हाइड है डजन मैटर। तो उसको दिखने के लिए आपको उसको जगह देनी पड़ेगी, सो दैट वो सेकेंड चीज़ भी देखे, फर्स्ट चीज़ भी देखे, थर्ड चीज़ भी देखे। ओके तो ये प्लेहेड जैसे आगे जाता है तो उसको उसके वे में जो भी नीचे नीचे दिखाई देता है वो चीज़ें वो वहाँ पे आपको आउटपुट में शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। समझे क्या? हाँ हाँ तो ये चीज़ आपने ट्राई करनी है, उसे एक्सपोर्ट करनी है, और कोई ना कोई आउटपुट बनाना है। कोई ना कोई का मतलब मीनिंगफुल बनाइए, कुछ भी बनाइए। फॉर एग्जाम्पल आप एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं, इमेज के इमेज बेस्ड। ओके हमारे आज की क्लास में हमने जो भी सीखा है वो इमेज बेस्ड वीडियो बनाना सीखा है। ओके अभी आप वीडियो ट्रैक मत ओके डालो, ऑडियो ट्रैक मत डालो, टेक्स्ट मत डालो, शेप मत डालो, कुछ भी मत करो, मैंने जितना कहा है उतना करो, सो दैट आप मतलब कि ओके बेस पक्का करेंगे तो आगे की चीज़ें आपको इजी होगी। नहीं तो ऐसा न्यू लर्नर क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें खुद से ट्राई करते हैं, करनी चाहिए, और नई नई चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ गड़बड़ हो गया तो हम फिर हमें थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है कि लाइक मैं आउटपुट नहीं प्रोड्यूस हुआ या फिर प्रॉब्लम हो गई, समथिंग लाइक दैट। तो देखिए एज अ न्यू लर्नर स्टेप बाय स्टेप आप मूव करिए तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, सो दैट आप आगे की चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। आप करिए, प्रैक्टिस करिए, मैंने दो एग्जाम्पल बताए या तीन एग्जाम्पल बताए, आप 5 एग्जाम्पल ट्राई करिए, 10 एग्जाम्पल ट्राई करिए, लेकिन इमेज के ट्राई करिए, इमेज बेस्ड। कोई भी थीम लेंगे, थीम इज लाइक कि फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट इज अ थीम या बेकरी इज अ थीम, बेकरी इज अ थीम, तो बेकरी से रिलेटेड प्रोडक्ट क्या होते हैं? चॉकलेट होते हैं, आइसक्रीम होता है, ब्रेड होता है, केक होता है, तो कंसिडर इट यू आर ओनर ऑफ द बेकरी एंड यू आर प्रोड्यूसिंग, यू आर क्रिएटिंग वन वीडियो फॉर योर शॉप, तो आप कैसे करेंगे? तो आपके पास ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, ऐसे करेंगे। तो ये चीज़ ट्राई करें, कंसिडर योर सेल्फ कि आप ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं तो आप कैसे काम करेंगे वहाँ पे, या कौन सा प्रोडक्ट शो करेंगे, तो मोबाइल का इमेज लगाओ,
वॉशिंग मशीन लगाओ, टीवी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, बहुत सारी चीज़ें, राइट नो? सो ऑब्जर्व करो आप, ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप अच्छा ऑब्जर्व करेंगे, टेलीविजन में एड्स देखेंगे, डेली सोप की जगह एड्स को ज़्यादा देखो, सो दैट आप अंडरस्टैंड करेंगे कि वो इमेज कैसे आ रही है, वो चीज़ कैसे हो रही है, प्रोडक्ट को कैसे वो शोकेस कर रहे हैं। सो दैट ये चीज़ आप लर्न करेंगे तो डेफिनेटली देर इज़ वेरी गुड चांसेस कि आप अच्छी प्लेस पे जा सकते हो। एंड एज अ पॉइंट ऑफ जॉब, जॉब करना एक छोटी बात हो गई, छोटी मतलब बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ जॉब करना ये आपका फाइनल एम नहीं होना चाहिए। आपका एम लाइक यू आर लर्निंग समथिंग, आप कुछ लर्न कर रहे हो, आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट बन रहे हो, आप स्पेशलिस्ट बन रहे हो, ये आपका एम होना चाहिए। आप कुछ भी लर्न कर रहे हैं, सो जॉब करना तो एक छोटी चीज़ हो गई, छोटी मतलब मुझे कुछ आता है, मैंने जॉब करनी है, तो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग। आप कुछ भी जॉब करो, लेकिन वो बेस्ट वर्क आउटपुट निकलना चाहिए, ये चीज़ आपका एम होनी चाहिए कि जॉब करना एक चीज़ होगी, बट बेस्ट आउटपुट प्रोड्यूस करिए, कुछ भी करिए उसमें, सो दैट दिस शुड बी योर एम। तो आप करिए, ट्राई करिए, ये सारी चीज़ें करिए, एंड शो मी द आउटपुट ऑन टुमारो। कुछ भी सिंपल मैनर में कुछ भी आपने जो भी किया वो चीज़ बताइए, सो दैट मुझे पता चलना चाहिए कि आपने क्या किया। ओके, सो हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं हमारी क्लास, एंड जी वी जी विल कंटिन्यू ऑन टुमारो, ठीक है? थैंक इसके यू आगे सर। का पार्ट हम आगे का पार्ट कल करेंगे, ठीक है? और आपकी वीडियो की ये ओके सर, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी जस्ट आफ्टर द क्लास, ठीक है? लास्ट वीडियो की रिकॉर्डिंग मैंने मतलब मेल पे आपके डाली थी और आपको शेयर भी किया था, तो आपको मिल गई, बिकॉज वो पब्लिक में नहीं रखा है, क्योंकि हम जनरली क्लास में थोड़ा पर्सनल चीज़ें भी डिस्कस करते हैं, करेक्ट ना? मे बी रिगार्डिंग विद जी आवर सर, प्रीमियर के प्रॉब्लम्स या फिर सिस्टम प्रॉब्लम, तो आई थॉट कि पब्लिक मेरी पिछली क्लासेस पब्लिक पब्लिक डोमेन में ही है, मतलब आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि प्रीमियर की पिछली क्लासेस मैंने पब्लिक में ही रखी है, बट आई थॉट कि हम पर्सनल रखें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग विद आवर सब्जेक्ट एंड सिस्टम आल्सो। तो ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं आपके मतलब कि वो आपको पर्सनली प्राइवेट प्राइवेट जोन में है वो वीडियोस, तो पब्लिक को नहीं दिखेंगे, एंड आपको भी चेक करने के लिए, वो व्यू करने के लिए आपके मेल से ही करने पड़ेंगे, सो दैट आपका मेल अगर चेंज हो जाता है तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा यूट्यूब, ठीक है? ओके, सो जी आई एम ओके हियर सर, वाइंड अप माई वाइंडिंग अप माई क्लास, एंड वी विल मीट टुमारो ऑन द सेम टाइम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड प्लीज डू समथिंग। ओके, थैंक यू सर, बाय, थैंक यू सर, नमस्कार सर। नमस्कार।